हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कोरोना वायरस से बचने के लिए इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ, यानी कि दोस्तों इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, ऐसे में आपको इसके संक्रमण यानी इन्फेक्शन से बचे रहने के लिए हर ज़रूरी उपाय करने चाहिए। ये उपाय साफ सफाई से लेकर खान पान यानी हेल्दी ईटिंग हैबिट की आदत से भी जुड़े हुए हैं। खास करके दोस्तों, खाने में ऐसे फूड्स को शामिल करें जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर्स और सभी वैज्ञानिकों का दावा है कि इम्यूनिटी के कमज़ोर यानी कि वीक होने की वजह से कोरोना का खतरा अधिक बढ़ जाएगा। दरअसल दोस्तों, एक मजबूत इम्यून सिस्टम आपको कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ ही और कई तरह की बीमारियों से भी बचा के रखती हैं। वैसे दोस्तों, छोटी मोटी ऐसी कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनसे हमारा शरीर खुद ही निपट लेता है, लेकिन दोस्तों जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है तो बीमारियों का असर जल्दी होने लगता है। जैसे कि दोस्तों, कमज़ोर इम्यून सिस्टम यानी वीक इम्यून सिस्टम का हो जाना और साथ ही मौसम बदलते ही सर्दी यानी कोल्ड, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता कई तरह के बैक्टीरियल संक्रमण यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले तो अपने आसपास हाइजीन का ध्यान रखें और साथ ही अपनी शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले खान पान का सेवन करें। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कौन से हैं वो सुपर फूड्स जो आपके इम्यून पावर को स्ट्रांग बनाकर कोरोना वायरस जैसे डेंजरस संक्रमण से आपको बचा कर रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने पहली बार डेली हेल्थ टिप्स पर विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बाजू वाले बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए पत्तेदार सब्जियां और विटामिन सी का भरपूर मात्रा में सेवन करें। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर संक्रमण द्वारा फैलने वाली बीमारियों से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं दोस्तों, तो ऐसे में आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ग्रीन वेजिटेबल्स में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके शरीर को बीमारियों से दूर रखने में सहायक साबित होती हैं। इसीलिए दोस्तों, आप खूब सारे पोषित सब्जियां और साथ ही फल, साबुत अनाज और साथ ही दोस्तों कम संतृप्त वसा वाला आहार और साथ ही फ्रेश फ्रूट्स को खाएँ। और दोस्तों, खास करके आप ब्रोकोली और पालक ज़रूर खाएँ। इसके अलावा दोस्तों, संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए विटामिन सी का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए नींबू और साथ ही आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि दोस्तों आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को दुरुस्त रखने में मददगार होता है। इसके अलावा दोस्तों, ग्रीन टी और साथ ही ब्लैक टी दोनों ही आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, जो कि आपके प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करते हैं। इसीलिए आप एक दिन में कम से कम 2 कप ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी ज़रूर पिएं। दोस्तों, आप विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करें। विटामिन डी का सेवन करने से दोस्तों आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती हैं, जिससे आपको कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कई गुना तक कम हो जाएगा। विटामिन डी का मुख्य स्रोत तो सूर्य यानी सन को ही माना जाता है, और दोस्तों सूर्य से आपको विटामिन डी की पूर्ति सूर्योदय के कुछ देर बाद तक ही मिलती है। इसीलिए आप कुछ देर धूप में बैठें। और दोस्तों, इसके अलावा विटामिन डी के लिए आप अपनी डाइट में सालमन, मछली और दूध को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऐसे में आप मीट, चिकन और बॉयल्ड एग्स को अपनी डाइट में शामिल करें और इन्हें अच्छे से पकाकर खाएं। इससे दोस्तों आपको अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, आप कच्चा लहसुन यानी कि रॉ गार्लिक का सेवन करके अपने इम्यूनिटी को बनाएं स्ट्रांग। जी हाँ दोस्तों, कच्चा लहसुन खाना आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने में बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें पर्याप्त मात्रा में एलेसिन, जिंक, सल्फर, सेलेनियम और साथ ही विटामिन ए और ई पाया जाता है। इसके इस्तेमाल के लिए रोज़ाना सुबह आप लहसुन की 2 कच्ची कलियों को ज़रूर खाएं। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर में इजाफा होगा। दालचीनी यानी सिनेमन का सेवन करें। दोस्तों, इम्यून सिस्टम को मजबूत करके कोरोना वायरस से बचने के लिए आप दालचीनी का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दालचीनी में इम्यूनो मॉड्यूलेटरी गुण पाए जाते हैं
इसके अलावा दोस्तों इसमें मौजूद एंटीवायरल प्रॉपर्टीज सर्दी जुकाम से भी आपको बचाने में मदद करता है। इसे आप खाना बनाते समय मसाले के रूप में उपयोग कीजिए, जिससे इसमें मौजूद सारे गुण खाने के माध्यम से आपके शरीर में बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे और दोस्तों आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। दोस्तों आप सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। जी हाँ दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स में विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती हैं, जो कि दोस्तों हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन होते हैं। सूखे मेवे का सेवन करने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है और दोस्तों इनमें प्रोटीन और साथ ही कई तरह के मिनरल्स, आयरन, फाइबर, जिंक और साथ ही मैग्नीशियम की भी अच्छी मात्रा होती है, जो कि शरीर में लाल रक्त कोशिकाएँ यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी को भी पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। और दोस्तों बादाम का सेवन करने से शरीर में बी टाइप सेल्स की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिलती है और दोस्तों ये बी टाइप सेल्स एंटीबॉडीज बनाने का काम करती हैं, जो कि शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया और साथ ही वायरस को ख़त्म करने में मदद करती हैं। इसीलिए दोस्तों आप डेली ड्राई फ्रूट्स खाते रहें और साथ ही अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। दोस्तों आप अपने इम्यूनिटी पावर में इजाफा करने के लिए योगा और साथ ही एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। योगा और एक्सरसाइज करने से दोस्तों आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, साथ ही दोस्तों आपकी मसल्स टोन होती हैं, कार्डियक फंक्शन बेहतर होता है और साथ ही दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपकी इम्यूनिटी पावर में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही दोस्तों आपके शरीर से जहरीले पदार्थ यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकालने में भी एक्सरसाइज और साथ ही योगा आपकी बहुत मदद करते हैं। दरअसल दोस्तों एक्सरसाइज के दौरान हम गहरी, लंबी और साथ ही तेज़ सांसें यानी कि डीप लॉन्ग एंड फास्ट ब्रेथ लेते हैं। दरअसल दोस्तों एक्सरसाइज और साथ ही योगा के दौरान हम गहरी, लंबी और साथ ही तेज़ सांसें यानी कि डीप लॉन्ग और साथ ही फास्ट ब्रेथ लेते हैं। ऐसा करने से दोस्तों जहरीले पदार्थ फेफड़े यानी कि हमारे लंग से बाहर निकलने लगते हैं और दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज के दौरान हमें पसीना भी आता है। पसीने के ज़रिए भी शरीर से गंदे पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए अगर आप रोज़ाना सुबह 30 से 35 मिनट तक तेज़ चाल से टहला जाए यानी कि अच्छे से वॉकिंग की जाए तो सांस से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं और साथ ही दोस्तों इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट होती हैं। इसीलिए आप रोज़ाना योगा और साथ ही एक्सरसाइज कीजिए और अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए, आप धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें और अल्कोहल या फिर शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही आपके इम्यूनिटी को वीक बनाते हैं। और दोस्तों आपके लिए ज़रूरी है कि आप पूर्ण तरीके से नींद लें, यानी कि दोस्तों पर्याप्त नींद ना होने की वजह से ये आपके दिमाग और साथ ही आपके शरीर को बेवजह की थकावट देता है और आपकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को भी कम कर देता है। इसीलिए दोस्तों आप 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। और फ्रेंड्स, आप खाना खाने से पहले अपने हाथों को ज़रूर धोएं। खाना बनाने से पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धो लें, जिससे कि आपको किसी भी तरह का संक्रमण ना हो। और दोस्तों किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने से पहले हैंड सैनिटाइज़र भी ज़रूर यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, ये थे इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले सुपर फूड्स और साथ ही ज़बरदस्त टिप्स। इसीलिए दोस्तों आप भी अपने डाइट में इन सुपर फूड्स को ज़रूर शामिल करें और दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में योगा और साथ ही एक्सरसाइज को भी ज़रूर शामिल करें। आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्योरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। टिल देन दोस्तों, ईच हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय।